बैंक चोर देख 2005 में रिलीज हुई फिल्म ब्लफ मास्टर याद आ जाती है, क्योंकि दोनों फिल्मों का प्रस्तुतिकरण एक जैसा है। ब्लफ मास्टर के अंत में पता चलता है कि पूरी फिल्म में जो हो रहा था वो एक नाटक था। कुछ ऐसा ही बैंक चोर में भी होता है। ब्लफ मास्टर का ड्रामा न केवल मनोरंजक था, बल्कि जो दिखाया जा रहा था वो इतना सच्चा था कि दर्शक उस पर यकीन कर बैठते हैं, और अंत में जब दर्शकों को बताया जाता है कि यह सब नकली था तो वे इस तरह ठगे जाने के बावजूद खुश होते हैं। लेकिन बैंक चोर में दर्शक कहीं भी फिल्म से जुड़ नहीं पाते। अंत में जब उतार चढ़ाव बताकर राज पर से पर्दा उठाया जाता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसके लिए लेखक और निर्देशक को दोष दिया जा सकता है। चंपक, गुलाब और गेंदा जेब कट रहे हैं। एक ही दांव में ज्यादा से ज्यादा पैसा पाने के चक्कर में बैंक में डाका डालने पहुंच जाते हैं। बैंक डकैती वाले दिन उनके सारे दांव उल्टे पड़ जाते हैं। पुलिस भी पहुंच जाती है और मीडिया भी। फिर एंट्री होती है CBI ऑफिसर अमजद खान की, क्योंकि बैंक में कुछ खास है। अपनी हरकतों से बेवकूफ नजर आने वाले चंपक, गुलाब और गेंदा किस तरह से परिस्थितियों से निपटते हैं, यह फिल्म में कॉमेडी और थ्रिल के सहारे दिखाया गया है। कागज पर कहानी भले ही अच्छी लगती हो, लेकिन प्रस्तुतिकरण में मार खा रही है। इस कहानी में हास्य और रोमांच की भरपूर संभावनाएं थी, जिनका दोहन नहीं हुआ। फिल्म का पहला हाफ बेहद धीमा और उबाऊ है। कहानी ठहरी हुई लगती है। चंपा, गुलाब और गेंदा की बेवकूफों वाली हरकतें हंसाती नहीं है, बल्कि आपके धैर्य की परीक्षा लेती है। चंपक मुंबई का है और गुलाब गेंदा दिल्ली के। मुंबई बनाम दिल्ली को लेकर जो कॉमेडी पैदा की गई है वो बिल्कुल प्रभावित नहीं करती। फिल्म में एक्शन कम और बातें ज्यादा है। बैंक चोर बिल्कुल भी हड़बड़ी या तनाव में नजर नहीं आते। वे बड़े आराम से अपना काम करते हैं, मानो महीने भर का समय उनके पास है, जबकि बाहर पुलिस खड़ी हुई है, वे घिरे हुए हैं। फिल्म के अंत में इन सब बातों का स्पष्टीकरण दिया गया है, लेकिन ये काफी नहीं है। स्क्रिप्ट में इतनी कमियां हैं कि उन्हें यहाँ गिनाने का कोई मतलब नहीं है। इतना बड़ा बैंक, मात्र 3 चोर, अंदर 28 लोग, बाहर पुलिस, CBI, बड़ी आसानी से इन चोरों पर काबू किया जा सकता था, लेकिन कुछ नहीं होता। चोर पकड़ने वाले तो मानो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। इंटरवल के बाद जरूर दर्शकों को चौंकाने में फिल्मकार को सफलता हाथ लगती है, लेकिन यह उफान बहुत जल्दी उतर जाता है। निर्देशक के रूप में बम्पी फिल्म को विश्वसनीय नहीं बना पाए। कहानी जो हास्य और रोमांच की मांग करती थी वे पूरी नहीं कर पाए। रितेश देशमुख का अभिनय अच्छा है, हालांकि उनसे बहुत कुछ कराया जा सकता था। गुलाब और गेंदा बने भुवन अरोरा और विक्रम थापा की जोड़ी अच्छी लगती है, और उन्होंने थोड़े राहत के पल दिए हैं। विवेक ओबेरॉय को संवादों के जरिए बहुत काबिल ऑफिसर बताया गया, लेकिन वे कभी कुछ करते नहीं दिखे। रिया चक्रवर्ती का अभिनय औसत है। बाबा सहगल बोर करते हैं। बैंक चोर देखने के बाद लगता है कि जेब भी कट गई और महत्वपूर्ण समय भी गवा बैठे। इस फिल्म को मैं 5 में से 1.5 स्टार देता हूँ।